हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे से प्रीवियस वीडियो में हमने एआई से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, आज एआई में न्यू टॉपिक हम करने जा रहे हैं, विच इज ट्यूरिंग टेस्ट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी शॉर्ट में कभी लॉन्ग में पूछा ही जाता है, आता ही आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्यूरिंग टेस्ट? ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसकी एडवांटेजेस भी बतानी है हमें और डिसएडवांटेजेस भी बतानी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्यूरिंग टेस्ट। इन 1950 एलन ट्यूरिंग पब्लिश एन आर्टिकल इन द माइंड मैगजीन विच ट्रिगर्ड अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कैन मशीन थिंक। इसका मीनिंग क्या है कि 1950 में क्या हुआ, एलन ट्यूरिंग जो थे पर्सन, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया। कौन सी मैगजीन में? माइंड मैगजीन में। ये मैगजीन का नेम है माइंड मैगजीन। माइंड मैगजीन में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसकी वजह से एक टॉपिक, कॉन्ट्रोवर्सियल टॉपिक मीन्स जो बहुत ज्यादा एकदम फैल गया चारों तरफ, बस एक ही टॉपिक था, वो कौन सा था? कैन मशीन थिंक। क्या मशीन भी सोच सकती हैं? क्या मशीन सोच सकती हैं? लाइक दिस, ठीक है? कैन द मशीन थिंक? एलन ट्यूरिंग प्रपोज्ड एन लिमिटेशन गेम। ठीक है, उन्होंने एक इमिशन गेम को स्टार्ट किया। इमिशन गेम में क्या था वो हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सब बताया गया इस वीडियो में कि कौन सी मिशन गेम थी, उस गेम के जो रूल्स थे वो क्या थे, कौन कौन पर्सन उस गेम में इंक्लूड थे। तो एलन ट्यूरिंग ने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि कैन मशीन थिंक, उन्होंने एक इमिशन गेम को स्टार्ट किया। देयर वाज अ थ्री एक्टर्स इन द इमिशन गेम। तो थ्री एक्टर्स थे उस इमिशन गेम में, और वो थ्री एक्टर्स कौन कौन थे? एक तो था अ मेल विद कंप्यूटर टर्मिनल, एक मेल था उसके पास एक कंप्यूटर टर्मिनल था, एक कंप्यूटर सिस्टम के साथ एक मेल था। फिर एक फीमेल था दूसरे रूम में, फीमेल थी दूसरे रूम में एक कंप्यूटर टर्मिनल के साथ, और एक इंटेरोगेटर। इंटेरोगेटर में जो उनको इंटेरोगेट करेगा, उनसे क्वेश्चंस पूछेगा मेल से भी और फीमेल से भी। और जितने भी पर्सन्स थे, एक्टर्स इंक्लूड थे इसके अंदर, सबके पास अपना अलग अलग रूम्स जो है उसको डिनोट किया गया था। रूम ए में कौन है, रूम बी में कौन है और सी में कौन है। अब जो भी रूम्स जिसको एलोकेट किए गए वो उस रूम में सेटअप हो गए, सबके पास अपने कंप्यूटर टर्मिनल था। कंप्यूटर टर्मिनल का मीनिंग यहाँ पर है कंप्यूटर सिस्टम था, जिसके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे थे। अगर इंटेरोगेटर उनसे इंटेरोगेट कर रहा है, क्वेश्चंस पुट कर रहा है, देन मेल और फीमेल जो भी अपने अकॉर्डिंग आंसर देना चाहते हैं वो कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू दे सकते थे। फिर ट्यूरिंग पर्पस डैट ह्यूमन इंटेरोगेटर इन रूम सी। ठीक है, जो ट्यूरिंग थे एलन ट्यूरिंग, उन्होंने क्या करा, ह्यूमन इंटेरोगेटर। अब इंटेरोगेटर तो ह्यूमन ही है जो उनको प्लेस करेगा, वो मेल या फीमेल का कोई इसमें इशू नहीं था, बट जो पार्टिसिपेंट थे वो एक मेल और एक फीमेल थी। ठीक है, एलन ट्यूरिंग ने क्या करा, ह्यूमन इंटेरोगेटर को रूम नंबर सी में रखा गया। रूम सी में इज नॉट अवेलेबल टू आइडेंटिफाई द व्यू हु इज इन रूम ए और रूम बी। मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कि रूम ए में कौन है और रूम बी में कौन है और रूम सी में कौन है, किसी को कुछ नहीं पता था। ना इंटेरोगेटर को ये पता था कि रूम ए में मेल है या फीमेल, ना उसको ये पता था कि रूम बी में मेल है या फीमेल, बस उसको ये पता था कि वो रूम नंबर सी में है। ठीक, अब आपस में रूम ए और रूम बी में भी किसी को ये नहीं पता था कि रूम ए में कौन है और बी में कौन है, वो सिर्फ एलन ट्यूरिंग को पता था। फिर क्या हुआ, इंटेरोगेटर आस्क क्वेश्चन टू बोथ ऑफ देम। इंटेरोगेटर जो भी थे उन्होंने क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर दिया रूम ए और रूम बी। उनको तो कुछ नहीं पता था कौन क्या है, बस उनको क्वेश्चन आस्क करना था, उन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। अब बेस्ड ऑन देयर टाइप राइटिंग एंड डिटरमाइन हु इज मेल एंड हु इज फीमेल। अब इंटेरोगेटर का काम क्या था कि उनकी टाइप राइट को देखकर कि कौन किस तरीके से आंसर दे रहा है। अब लड़की है तो वो अपनी जगह पर जो भी आंसर लगा रही है शी लगाएगी, करती है, करती हूँ, इस तरह से लगाएगी। ठीक है, करता है, कर रहा था, ये एक बॉय लगाएगा, राइट। तो किसी के लिखने के वजह से, रिटर्न के टाइप से हम ये पता तो कर ही सकते हैं ना कि लिखने वाला पर्सन कौन है, मेल है या फीमेल है। और वही काम इंटेरोगेटर को सौंपा गया कि उसको फाइंड आउट करना था बिना आइडेंटिफाई करे। उसको कुछ नहीं पता कि कौन से में मेल है या कौन से में फीमेल, उसके अकॉर्डिंग तो दोनों मेल भी हो सकते थे और दोनों फीमेल भी हो सकते थे। अब अगर एक मेल एक फीमेल है तो उसको ये नहीं पता कि मेल कौन से रूम में है और फीमेल कौन से रूम में है। उसका काम क्या था, बस क्वेश्चन को पुट करना और जो भी पर्सन के पास से उसके पास आंसर आएगा उस आंसर को देखकर आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आंसर मेल के लिए है और कौन सा आंसर फीमेल के थ्रू राइट किया गया है। The aim of the male is to be emission, the female receives the interrogator and the role of the female to provide the reply that would be informed the interrogator about the true sex. इसका मीनिंग ये है कि जो भी मेल था, जो पार्टिसिपेंट था मेल, उसको ये बोला गया था कि उसको हमेशा गलत आंसर देना है। अगर वो मेल है ना तो वो फीमेल की तरह बात करेगा, ठीक,
और फीमेल को ये बोला गया था कि वो हमेशा ट्रू आंसर दे, किसी भी क्वेश्चन का ट्रू ही आंसर दे। तो अब ये सब किस लिए किया गया था, ताकि इंटरोगेटर ये पहचान सके कि कौन पर्सन मेल है और कौन सा फीमेल है। अब अगर फीमेल तो अपना सही आंसर दे रही है, फीमेल जो अपना सही सेक्स बता रही है कि मैं फीमेल हूँ, बट जो मेल है वो भी फीमेल बता रहे, तो अब इंटरोगेटर कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि रियल में मेल कौन है और फीमेल कौन है। ठीक है, यही इस गेम का जो है मेन एम था कि कैसे एक इंटरोगेटर आइडेंटिफाई कर पा रहा है, क्योंकि यही चीज अगर कंप्यूटर एक आंसर देता है हमारे क्वेश्चन का, तो क्या इंटरोगेटर फाइंड कर सकता है कि ये किसी पर्सन ने आंसर दिया है या किसी कंप्यूटर सिस्टम ने आंसर राइट किया है। तो सबसे पहले जो गेम बनाई गई उस गेम में एक मेल और फीमेल को ही इंक्लूड किया गया था और इंटरोगेटर उनको फाइंड आउट कर रहा था। नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कि द ट्यूरिंग टेस्ट इज स्लाइट वेरिएशन ऑफ द इमिशन गेम वेयर द ह्यूमन इंटरोगेटर नाउ कम्युनिकेशन विद द प्लेयर बाय द टेलीफोन। अब सबसे फर्स्ट टाइम तो एक कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू सब आपस में बात कर पा रहे थे, बट अब क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, वेरिएशन लाया गया गेम के अंदर। और वेरिएशन क्या था कि अब जो इंटरोगेटर है वो किसी कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू क्वेश्चन को आंसर नहीं लेगा, ना ही क्वेश्चन को आस्क करेगा, बट वो एक टेलीफोन सिस्टम के थ्रू, टेलीटाइप के थ्रू एक पर्सन को जज कर पाएगा कि वो एक मेल है या फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जिससे आपको जो फर्स्ट पार्ट है इस गेम का वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये है रूम नंबर ए, ये है रूम नंबर बी और ये है रूम नंबर सी। ठीक है, रूम ए में क्या है, रूम ए में मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, रूम बी में भी मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, पर उनके पास क्या होगा, एक कंप्यूटर टर्मिनल होगा। यहाँ पर भी है, यहाँ पे कोई पर्सन है, पर्सन के साथ एक कंप्यूटर टर्मिनल है, यहाँ पर भी एक पर्सन है, ह्यूमन है और उसके साथ कंप्यूटर टर्मिनल है। दो रूम है ए और बी। अब कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया अभी कि यहाँ पर मेल है या फीमेल, या ए रूम में मेल है या फीमेल है। ठीक है, ऐसे बी रूम के लिए भी है, किसी को नहीं पता कि कौन से रूम में मेल है कौन से रूम में फीमेल है। फिर रूम सी में कौन है, रूम सी में हमारा है इंटरोगेटर जो क्वेश्चन आस्क करेगा दोनों रूम के ह्यूमन से, पर्सन से इंटरोगेट करेगा। यहाँ पर भी एक पर्सन है क्योंकि ह्यूमन ही इंटरोगेटर था और इसके पास भी एक कंप्यूटर टर्मिनल है। इस कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू ये ए से और बी दोनों से ही क्वेश्चन आस्क करेगा। ये जो फिगर है ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, जो फर्स्ट क्वेश्चन उनसे टाइप करवाया गया। अब वो स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जो उनसे आस्क किया गया, बट इतना है कि ये बताया गया कि फीमेल जो है वो हमेशा सही आंसर देगी और जो मेल है वो हमेशा रॉन्ग आंसर देगा। ठीक है, ये किस लिए किया गया, ताकि इंटरोगेटर को थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। ये था हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट पार्ट आता है, वो गेम की गई थी एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। मशीन सीख सकती है क्या, मशीन थिंक कर सकती है, और इंटरोगेटर वही रहेगी। ठीक है, अब उनको ये भी नहीं पता कि ह्यूमन कौन से रूम में है और मशीन कौन से रूम में, पहले की तरह। तो इस गेम का जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को समझने में अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।